A voting awareness campaign, Vote India, aimed at emphasizing the significance of voting is underway, organized by the Federation of Mosques in Bangalore City, with the collaboration of Falcon Institutions. College students have taken to the streets across various areas, engaging with the public to underscore the importance of participating in elections. As part of this initiative, a helpline has been established to assist individuals who are unsure about their designated voting booths. Through this helpline, comprehensive information regarding voting details is being disseminated to ensure that citizens are well informed about the voting process. Speaking on the occasion, the office bearers of Federation of Mosques and the director of Falcon Institutions, Dr. Abdul Subhan, underscored the Vote India voter awareness campaign. He urged citizens to recognize the power of their vote and emphasized the importance of active participation in the democratic process. Franchising our vote. क्योंकि उससे बड़ा हक कोई नहीं है इंसान एक किसी भी शहरी के लिए. And this is what gives us participation into our democracy. एक problem था जो सब जगह पे हमको महसूस हो रहा था कि बेंगलोर शहर में यहाँ पे लोग किराए के घरों में रहते हैं और कुछ वक्त के बाद अपना घर छोड़ते हैं, दूसरे घर में रह जाते हैं. लेकिन होता यह है कि वो जो उनका एनरोलमेंट होता है, वोटर एनरोलमेंट, पुराने एड्रेस पे होता है. और ये जब ये नए एड्रेस में रहते हैं, उनको मालूम नहीं होता कि वहाँ पे किस बूथ में उनका नाम चेंज हो गया है. और ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनको क्लैरिटी नहीं है. और इसकी वजह से लोग बोलते हैं कि अरे क्या करना है, हमको मालूम ही नहीं है कहाँ पे हो रहा है. क्योंकि उनको घर पे चिट्ठी भी नहीं मिलती, तो जो स्लिप आती है क्योंकि उनका नेम सम अदर प्लेस पे है. अब उस मसले को हल करने के लिए हम चाहते थे कि एक सोल्यूशन निकालें. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तालिबात हैं, खासतौर पे फाल्कन डिग्री कॉलेज की, जो इन्होंने एक बेड़ा उठाया है कि उनके लिए जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा, कहाँ पे उनका नाम है, किस बूथ में उनका वोट है, उनको मालूम नहीं हो पा रहा, उन लोगों के लिए एक सोल्यूशन है कि एक नंबर दिया गया है 0804681-0691. इस नंबर पे अगर कॉल किया जाएगा तो 24/7 हमने वॉलंटियर्स रखा है जो भी कॉल करेंगे उनको हम ऑनलाइन चेक करेंगे थ्रू ऐप और बताएंगे कि उनका किस बूथ में उनका वोट है और क्या सीरियल नंबर है, ताकि वो लोग अपना वोट का सही इस्तेमाल कर पाए. परेशानी की जरूरत नहीं है, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए. ये तमाम तालिबात हैं जो इंशाल्लाह, और इससे बहुत बड़ी टीम है जो पीछे काम कर रही है ऑलरेडी. इंशाल्लाह दे विल ऑल सपोर्ट यू इन एवरी पॉसिबल वे. ये तमाम तालिबात आपके साथ हैं इंशाल्लाह टू गाइड यू कि कहाँ पे आपका रोल है. हर जिम्मेदार इंसान को अपना कारोबार छोड़कर, अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर जो है पहले वोट की फिक्र करे. वोट डालने के बाद 5 साल अपनी जिम्मेदारी सब निभाए, लेकिन 5 मिनट अपने पूरा काम छोड़कर अपने पड़ोस वालों के साथ में, अपने पूरे अहल-अयाल के साथ में, जो भी 18 साल बंदा हो जाता है, हर बंदे की वोट जो है हमारे तरफ से पड़ जाए, बस इसकी फिक्र करे. और हमारा मुस्तकबिल है और इस बार हमारा वजूद है, हमारे वजूद को बचा कर रखना है. हमारे बेंगलोर सेंट्रल मसाजिद फेडरेशन के जानिब से यह तहत हमारे फाल्कन इंस्टीट्यूशन ग्रुप ने हमारे लिए बहुत बड़ी तायद की है. इनके स्टूडेंट्स और हमारे साथी मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह एक अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं हर घर पहुंचकर, ताकि हर फर्द का वोट जरूर जरूर पहुंचे. इट्स अवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट्स अ विटनेस, शरई जिम्मेदारी है ये लोगों को बेदारी करने के लिए. और हर एक हमारी मस्जिदों की जिम्मेदारों की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारे सारे तकरीबन मस्जिदों में जुमा की नमाज को हमें जो है आगे पीछे किए हैं. और हर घर में हम पहुंचकर इसकी बात चला रहे हैं कि सुबह सुबह जल्दी सोकर सुबह सुबह उठ जाएं, फजर पढ़ें, अपने औरतों के साथ अपनी मस्तूरात के साथ ले जाकर वोट जरूर डालें. अगर वोट कार्ड पहले ही उठा कर रख लें ताकि देर से ताखिर ना हो. जुमा की नमाज के बाद खाना खाने से पहले जाकर आप वोट डालकर जाकर बाद खाना खाएं. और हमें वॉलंटियर्स भी बना रहे हैं जो मस्जिद के जरिए से. वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू अब्दुल सुबान साहब.